वो जंग से डरती थी, गोलियों और बंदूकों से, टैंकों और बमों से, फौजी वर्दी में मलबूस आदमी से, उन बमों से जो सिर्फ आंखों में जलन का बाइस बनते थे, अपने बाप के जिस्म के जख्मों से जो एक फौजी से लड़ाई की वजह पैदा हुए थे, पड़ोसियों के तबाहशुदा घरों से, झूलों और स्लाइडों से जो टूट चुके थे और उन पर खाक जमी हुई थी, गली में हंगामों और शोर शराबों से, बमबारी के नतीजे में खिड़कियों पर मौजूद धूल से, अरिया को हर उस चीज से डर लगता था जिससे जंग की बू आती थी। एक दिन गली में खेलते हुए एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक फौजी से बहस कर रही थी। अरिया को लड़ते झगड़ते हुए फौजियों से भी डर लगता था, क्योंकि अगर कोई शख्स अपना दिफा भी करता तो सिपाहियों को गुस्सा आ जाता था, या तो वो उन्हें अपने साथ घसीट कर ले जाते थे या फिर उसी गली में उसे खूब मारते थे। जब भी कोई आदमी किसी फौज से बात करने लगता तो अरिया फौरन दौड़ के अपने घर की तरफ भागती, लेकिन इस बार भाग नहीं सकी। वो बूढ़ी औरत चीख रही थी, नारे लगा रही थी और उन सबको बद्दुआ दे रही थी, इसीलिए उस सिपाही को बहुत जल्द गुस्सा आ गया। जब तक अरिया कुछ सोचती, उस फौजी ने बूढ़ी औरत पर गोली चला दी। गोली बूढ़ी औरत को पार करते हुए अरिया के छोटे से बाजू में लगी। अरिया चीखने चिल्लाने लगी और जमीन पर बैठ गई। सब उसके गिर्द जमा हो गए थे। अरिया हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रही थी, बुलंद आवाज से रो रही थी। नर्स उसको टांका लगाने लगी, इसलिए उसके चीखने की आवाज और भी बढ़ गई। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके कान में एक खूबसूरत तराना गुनगुनाने लगी। एक बार नहीं बल्कि बार बार उसने 10 साल अरिया के कान में वो अशार पढ़े, साथ में उसके बालों पर हाथ फेरती रही। ऐ मेरे दुखी वतन, तुमने मुझे एक पल में बदल दिया। अरिया अपनी माँ की आवाज सुनती रही, वो इन अशार की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। फिर धीमे धीमे उसकी आवाज भी थम गई। जब वो घर वापस जा रही थी उस वक्त भी उसे दर्द का एहसास था, लेकिन अब उसके अंदर फौजियों का कोई खौफ नहीं था।